दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि एक डोमेस्टिक आरओ बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान की जरूरत पड़ सकती है। स्टार्ट करते हैं। हमको सबसे पहले चाहिए दो बल्कहेड, उसके बाद चाहिए हमको एक 24 वाट का SMPS, उसके बाद हमें चाहिए एक 75 GBT की मोटर, उसके बाद हमें मोटर की एल्बो, उसके बाद हमें चाहिए एक सोनोट वाल, उसके बाद हमें चाहिए एक फ्रूट वॉल और एक हमें चाहिए टैप, और चार हमारे पास हैं सी कलम पे जो बॉडी के बैक साइड मतलब कि लगेंगी, और दो चाहिए हमें एक्स कलम, दो यूवी वाली कलम, और दो यूवी वाली कलम के बाद एक सेडिमेट फिल्टर, एक कार्बन फिल्टर, कार्बन फिल्टर के बाद एक मेम्ब्रेन हाउसिंग, मेम्ब्रेन हाउसिंग के बाद एक यूवी बैरल, यूवी बैरल के बाद एक यूवी फिलिप्स कंपनी की है ये, और एक डीसी चोक डिसेंट कंपनी की। उसके बाद हमें चाहिए दो टीडी एडजस्टर लगाने के लिए, टीडी एडजस्टर लगाने के लिए उसके बाद हमें चाहिए एक टीडी एडजस्टर लगाने के बाद हमें चाहिए एक यूएफ फिल्टर के बाद हमें चाहिए डबल पुश की एल्बो, मैंने लिए हैं 6, ठीक है, और उसके बाद हमें चाहिए मेम्ब्रेन हाउसिंग की एल्बो 3, उसके बाद हमें चाहिए एक 1/4 की एल्बो, उसके बाद हमें चाहिए ये फिटिंग जो सी हमारे पानी के कनेक्शन के साथ में लगती है, उसके बाद हमें मशीन के मोटर और SMPS लगाने के लिए 3 टाई बेल्ट के बाद हमारे पास एक प्री फिल्टर हाउसिंग है, प्री फिल्टर है, और उसके बाद है एक ये प्री फिल्टर हाउसिंग इसे बोलते हैं जो आरओ के साथ में लगती है, और हमें चाहिए एक हमें चाहिए मेम्ब्रेन, और हमको चाहिए कम से कम 6 मीटर या 7 मीटर पाइप आरओ का, और अगर आपको ये सारे सामान की अगर आवश्यकता है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर।